गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर का देसी स्वाद। आज हम शुरू करेंगे स्टफ्ड अप्पे। अप्पे तो हमने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज यहाँ हम बनाएंगे कुछ स्पेशल स्टफ्ड अप्पे। उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा सूजी और दही। तो सूजी हम यहाँ पे चाहे बारीक वाली सूजी लीजिए, चाहे मोटी वाली सूजी लीजिए, या मैंने महीन वाली सूजी ली हुई है। एक कटोरी हमारी सूजी है, तो उसके रेशियो में हमारा आधा कटोरी दही और आधा कटोरी ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें वेजिटेबल्स बीन्स 4 से 5 है जो महीन चॉप्ड है, मटर 1/4 बाउल, 1/4 बाउल कैप्सिकम एंड 1/2 बाउल अनियन, जो कि सारी सब्जियां बहुत ही महीन चॉप्ड हैं, और 1/4 बाउल टोमेटो। एंड ये है स्टफिंग का सामान, जिसमें मैंने एक छोटा पीस आलू लिया है, 2 बड़े चम्मच करीब पनीर लिया हुआ है, और नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया डाल के रखा हुआ है। और ये हरी मिर्च है ये 1 बड़ी कटी हुई, नमक स्वादानुसार, टाटरी 1/4 चम्मच या 2 पिंच, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेते हैं। इस बाउल में हम सूजी डालते हैं। सूजी के साथ में इसमें हम दही को भी ऐड करेंगे। ये 1 पैकेट इनो भी इसमें है। तरीके से सूजी को ऐड किया, मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करके इसमें जो 1/2 बाउल हमने पानी लिया था वो भी इसी में ऐड कर देंगे। इसे इस तरह से मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से भीग जाए। तब तक जो मैंने ये स्टफिंग का सामान है, ये देखिए, ये जो हमारे स्टफ्ड की सामग्री है, इसके हम छोटे छोटे से इस तरह लेकर के बाउल बन बॉल जैसे छोटे छोटे शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसके सारे बाउल बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके छोटे छोटे हमने बॉल्स रेडी कर लिए। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब सूजी को हम खोल करके देखते हैं, ये भीग गई अच्छे से दही के साथ में। अब इसमें सारी सब्जियां मिक्स ऐड कर लेते हैं। कैप्सिकम, बीन्स, पीस, अनियन, अगर आपके पास कैरेट है तो कैरेट भी डाल सकते हैं। सब्जियां ऑप्शनल है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। अगर बच्चों के लिए लंच के लिए बना रहे हैं तो उसे बच्चों की पसंद के अनुसार सब्जियों का आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं सब्जियों को। इसी के साथ में इतना हम सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। सॉल्ट अपने स्वादानुसार है, ग्रीन चिली स्वादानुसार। यहाँ पे मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे इनो की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप पूरी रात इसी तरह सूजी और दही को मिक्स करके रख दीजिए उसमें, और फिर सुबह उठ के बना लीजिए, तो आपको इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ इमीडिएट बना रही हूँ, इसलिए मुझे इनो की ज़रूरत है। देखिए, 1/4 स्पून हमने इसमें इनो ऐड किया।
ये हमारा फूड स्टैंड है। अब स्टैंड को गर्म हो रहा है, तब तक कि हम एक एक ड्रॉप इसमें ऑयल की डाल लेते हैं। ये अप्पे बनाने वाला स्टैंड है, और ये मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, छोटा भी आता है और बड़े भी आते हैं। ये साइट्रिक एसिड डाल रही हूँ। मैंने बताया अगर आप इमीडिएट बना रहे हैं तो आपको इनो और एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप रात भर इसके भिगा करके रख देते हैं तो आपको इनो और साइट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए पे स्टैंड गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालते हैं। इस तरह डालने के बाद में हम जो मेरे ये पनीर वाले बॉल्स थे इनको बीच में ऐसे इस तरह से रखा, स्टफिंग कर इनकी ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से सारे अप्पे रेडी कर लेने स्टफ करके। ये देखिए कितने स्टफ कर लिए हैं, स्पून के ऐसे से हम पलट लेंगे। देखिए हमारे रेड रेड अप्पे रेडी हो रहे हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे लेट को कवर कर देंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए एक साइड से रेड हो गए, हम इन्हें स्पून की हेल्प से धीरे धीरे दूसरे साइड पे पलट देते हैं। ये बच्चों को तो टेस्टी लगते ही हैं, टेस्ट के साथ में हेल्दी भी बहुत है, और जिसे ज़्यादा ऑयल की चीज़ें नहीं पसंद है, ऑयल फ्री चीज़ें पसंद है, उसके लिए तो बेस्ट है। ये देखिए दूसरे साइड भी से हल्का सा ऑयल डाल के, बस एक या दो दो ड्रॉप सिर्फ ड्रॉप्स में हमें डालना है। इसे फिर से सिम आँच पे ही 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक कि मैं आपको टिप्स ऑफ द डे बता देती हूँ। इसके जो सूजी का जो बैटर है उसमें साइट्रिक एसिड का यूज़ हमें तब करना है जब हम इसे रात भर नहीं भिगो के रखेंगे, इंस्टेंट बनाना है। अगर हम इसे ओवरनाइट भिगा करके सूजी और दही को रखते हैं तो हमें इनो और साइट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, आलू उबालते समय गर्म पानी में 1 से 2 टीस्पून नमक अगर डाल दिया जाए तो आलू का छिलका आसानी से उतर जाता है। चलिए 2 से 3 मिनट हो गए, अब देखते हैं हमारा अप्पे बन के रेडी हो गए हैं। किस तरह से सारे अप्पे रेडी हो गए हैं, मैं सर्विंग प्लेट में रख रही हूँ। आप चाहे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने टमाटर की प्यूरी, टमाटर अप्पे भी बनाना होता है, इसमें क्या करते हैं इसमें टमाटर को अच्छे से पीस करके डालते, इस तरह से टमाटर अप्पे भी बनकर रेडी हो जाते हैं। मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब हमारे अप्पे स्टफ्ड अप्पे रेडी हैं, जैसे मैं नारियल की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। लीजिए दोस्तों लुत्फ़ उठाइए गर्मा गर्म स्टफ्ड अप्पे का। और नारियल की चटनी की रेसिपी के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसे भी आप देख सकते हैं। होप है कि आपको ये स्टफ्ड अप्पे पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।